नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। अमिताभ बच्चन अपने शो कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन में कई दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। कभी कंटेस्टेंट्स की लाइफ के बारे में जानते हैं तो कई बार खुद से जुड़ी मजेदार बात बताते हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में फेल होने का खुलासा किया है। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर रोल ओवर कंटेस्टेंट्स आशीष हॉट सीट पर बैठते हैं। अमिताभ बच्चन ने उनके साथ खूब बातें की। दरअसल आशीष एक टीचर हैं और उनके पास ऐसी टेक्निक हैं जो बच्चों के लिए सब्जेक्ट को आसान बना देती है। अमिताभ बच्चन ने आशीष से कुछ ऐसी ही टेक्निक बताने के लिए कहा। इस पर कंटेस्टेंट्स ने मुश्किल चीज़ें याद रखने की एक टेक्निक बताई, जिसमें पीरियोडिक टेबल से लेकर 9 यूनियन टेरिटरी के नाम आसानी से याद रखे जा सकते हैं। आशीष की टेक्निक देख बिग बी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्होंने ग्रेजुएशन में BSc लिया था और ऐसे सब्जेक्ट चुन लिए थे जो उनके पल्ले नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने 3 सालों तक इससे जूझना पड़ा। बिग बी ने आगे बताया कि वो एग्ज़ाम के बस 2 महीने पहले ही अपनी पढ़ाई शुरू करते थे और रट्टा मारकर परीक्षा देने चले जाते थे। नतीजा ये हुआ कि वो फिजिक्स में फेल हो गए और जब दोबारा एग्ज़ाम दिया तो उसमें पास हुए। अमिताभ बच्चन ने हर कंटेस्टेंट की तरह आशीष से भी अपना फेवरेट सवाल पूछा कि वो जीते हुए पैसे का क्या करेंगे। कंटेस्टेंट ने कहा कि उनके ऊपर घर का लोन है, कार का लोन है और बच्चों की पढ़ाई का लोन है, लेकिन वो इन पैसों को लोन में नहीं देना चाहते हैं। आशीष ने बताया कि वो अपने जीते हुए पैसों को दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में देना चाहते हैं। वो बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी पढ़ाना चाहते हैं। कंटेस्टेंट ने ये भी बताया कि वो एक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। आशीष की बात सुनकर दर्शक खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे। आपको बता दें कि KBC 15 में शामिल डॉक्टर आशीष ने साल 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उन्होंने खुलासा किया है कि मैं चाहता था कि मेरा विश्व रिकॉर्ड अमिताभ बच्चन के जन्मदिन यानी 11 अक्टूबर को बने, लेकिन वो 18 अक्टूबर को पूरा हुआ। मुझे खुशी है कि ये आपके जन्मदिन के महीने में पूरा हुआ। आशीष ने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा अधिक मैग्नेट के साथ आई लव अमिताभ बच्चन लिखा था। इस टास्क में सबसे चैलेंजिंग काम था मैग्नेटिक क्षेत्र का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप मैग्नेट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तब वे सभी एक साथ आते हैं, इसलिए उन्हें वर्णमाला के रूप में लिखने में 2.5 साल लग गए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।